एक गांव में चंचल नाम का एक लड़का अपने पिताजी के साथ रहा करता था। चंचल रोज दोपहर को भोजन करके लकड़ियों को काटने के लिए जंगल जाया करता था। और जंगल से बहुत सारे लकड़ियां काटकर ले आता। पिताजी, मैं लकड़ी लेकर आ गया। ठीक है बेटा चंचल, अब तुम थोड़ा आराम कर लो, फिर थोड़ा नाश्ता कर लेना। दूसरे दिन चंचल के पिताजी सारी लकड़ियों को लेकर बाजार बेचने गए। सेठ जी, ये लीजिए लकड़ियाँ, बहुत सूखी लकड़ियाँ हैं। हाँ, ये लो रुपया। सुनो, अगले दिन हमें 2 क्विंटल लकड़ियाँ ज्यादा चाहिए, क्योंकि मेरे घर में शादी समारोह है। चंचल के पिताजी सेठ जी को आश्वासन देकर अपने घर की ओर चले जाते हैं। ठीक है बेटा जाओ, कल सेठ जी 2 क्विंटल लकड़ियाँ ज्यादा मांगे हैं, क्या हो सकेगा ना? हाँ पिताजी, क्यों नहीं होगा, आपका आशीर्वाद जो मेरे साथ है। कहा जाता है कि माता पिता का आशीर्वाद वरदान स्वरूप होता है, और मैं आपके आशीर्वाद से हिम्मत और जुनून के साथ लकड़ियों को पूरा करूंगा, क्योंकि मुझे बड़ा आदमी भी तो बनना है। ठीक है पिताजी। इतना कहकर चंचल अपनी कुल्हाड़ी और रस्सी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। आज तो मुझे जंगल के पूरे अंदर तक जाना होगा, वहाँ ज्यादा से ज्यादा सूखी लकड़ियाँ मिल जाएगी। बीच जंगल में अचानक चंचल ने एक विशाल पेड़ को देखा। उस पेड़ में एक दरवाजा भी लगी हुई थी। उसे देखकर चंचल के आश्चर्य की सीमा ना रही। ये क्या, पेड़ तो बहुत ही विशाल है, पर पेड़ में दरवाजा, ये तो मैं बड़ा ही विचित्र चीज देख रहा हूँ कि पेड़ में दरवाजा है, ये तो देखना ही होगा, आखिर ये विचित्र सा दरवाजा है क्या? ये दरवाजा तो सच में खुल गया, पर अंदर तो पूरा अंधेरा ही अंधेरा है। खैर, अंदर चलकर देखता हूँ, आखिर इसके अंदर माजरा क्या है। चंचल अंदर चला गया। थोड़ा अंदर बढ़ने के बाद चंचल को दिव्य पुंज सी प्रकाश दिखाई दी। चंचल उस दिव्य प्रकाश पुंज को पाकर आगे की ओर बढ़ने लगा। कुछ कदम आगे बढ़ते ही चंचल को स्वर्ग सा मनमोहक शहर नजर आता है। अब चंचल शहर को अपनी आश्चर्य भरी निगाहों से घूर घूर कर देखने लगता है। ये तो कमाल ही हो गया, एक तो विशाल पेड़ में दरवाजा और फिर अंदर इतना स्वर्ग सा सुंदर शहर, ये तो सच में कमाल और आश्चर्यजनक दृश्य है। बचाओ, 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 अरे कोई तो बचाओ। अरे भाई, तुम लोग इस गड्ढे में कैसे फंस गए हो? खैर चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ ना, तुम्हें अभी तुरंत निकाल देता हूँ। ऐसा करो, मैं रस्सी फेंक रहा हूँ, तुम इस रस्सी को पकड़ लो और एक एक कर दोनों बाहर निकल जाओ। मैं रस्सी फेंक रहा हूँ, तुम इस रस्सी को पकड़ लो और एक एक कर दोनों बाहर निकल जाओ। तुमने मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालकर मेरी जान बचाई है, इसलिए तुमको बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ये क्या बोल रहे हो, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, हर इंसान को एक दूसरे की मदद करनी ही चाहिए, यही तो जीवन का मूल मंत्र है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब तुम ये बताओ कि इस जादुई शहर में आखिर क्या कर रहे हो? मैं एक पेड़ से अंदर आ गया हूँ। अच्छा, तो तुम जादुई दरवाजे से प्रवेश कर यहाँ तक आए हो। क्या जादुई दरवाजा?
लेकिन वो दरवाजा तो 12 वर्षों में मात्र एक ही दिन के लिए खुलता है। शायद आज दरवाजा खुला है। तुम ऐसा करो, शाम ढलने से पहले इस जादुई शहर से बाहर निकल जाना, वरना यह दरवाजा एक बार बंद हो गया तो तुम 12 वर्षों के लिए यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। ठीक है, अब मैं यहाँ से चला जाता हूँ। रुको रुको, तुमने मेरी जान बचाई है और तुम बहुत नेक और ईमानदार हो, इसलिए मैं तुम्हें ये लकड़ी उपहार स्वरूप दे रहा हूँ, इसे रख लो। ये इतनी छोटी सी लकड़ी को लेकर मैं क्या करूँगा? इतनी छोटी लकड़ी तो भोजन बनाने के भी काम नहीं आएंगे। तुमने तो ठीक ही सोचा दोस्त, कि ये छोटी लकड़ी से भला क्या हो सकता है। तो तुम जिसे छोटी सी लकड़ी समझते हो, इस लकड़ी में मेरी जादुई शक्ति है। तुम्हें जब भी जहाँ भी जितनी भी जरूरत हो, इस जादुई लकड़ी से मांग लेना, तुम्हारी जरूरत की लकड़ियाँ मिल जाएगी। चंचल के वापस कुछ दूर आने के बाद रास्ते में उसे एक बूढ़े दादाजी सामने खड़े हो जाते हैं। यह देखकर चंचल बोलता है, क्या हुआ दादाजी, आप बहुत ही परेशान सा नजर आ रहे हैं। बेटा, मैंने आज लकड़ी के अभाव में भूखा हूँ और उम्र के मुताबिक कमजोर हो गया हूँ, जो लकड़ी काट नहीं सकता। ठीक है दादाजी, आप अब परेशान ना हो, मैं आपके लिए लकड़ी उपलब्ध कर देता हूँ। ए मेरे जादुई लकड़ी, तुम हमारे बाबा के लिए ढेर सारी लकड़ियाँ दो। इतना बोलते ही बूढ़े बाबा के सामने लकड़ियों का ढेर आ जाता है और दादाजी को देते हुए, लीजिए दादाजी, ये सारी लकड़ियाँ आपके लिए ही हैं। खुश रहो बेटा, भगवान तेरी भला करे, जो तूने मुझ जैसे असहाय की सहायता की है बेटा। तुम में मानवता कूट कूट कर भरी है बेटा। तुम एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनोगे। ठीक है दादाजी, अब मैं चलता हूँ। जरा ठहरो बेटे, जरा ठहरो, तुम्हें मैं ये थाली उपहार स्वरूप दे रहा हूँ। जब तुम चाहो तब तुम इस थाली से खाने की चीजें मांग सकते। इससे तुम जितने प्रकार की भोजन मांगोगे ये थाली तुम्हें देगी। मैं तुम्हारे ही जैसा नेक दिल इंसान को ये छोटा सा उपहार देने के लिए मैं बरसों से इंतजार करता रहा। ये लो उपहार। ठीक है दादाजी, आपको इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद, लेकिन अब मैं चलता हूँ। हाँ बेटा, शाम हो चुकी है, अब तुम अपने समय को कमाए बगैर यहाँ से अविलंब निकल जाओ, चूंकि जादुई दरवाजा थोड़ी ही देर में बंद होने वाली है। ठीक है दादाजी, मैं जा रहा हूँ। अब वह चंचल वहां से वापस लौटता हुआ जादुई दरवाजे से बाहर निकल जाता है। चंचल के निकलते ही दरवाजा बंद हो जाता है। मैं जल्दी से जाकर पिताजी को ये दो जादुई चीजें दिखाऊंगा और फिर पिताजी बहुत ही खुश हो जाएंगे। चंचल घर की ओर जाने लगता है। घर तक पहुंचकर खुशी से पिताजी को आवाज लगाता है, पिताजी पिताजी, जरा देखिए तो सही, आज मैं लेकर क्या आया हूँ। अरे चंचल, तुमको आज क्या हो गया है? ये आज तुम एक हाथ की लकड़ी लेकर आए हो और ये थाली? आज इतने बड़े जंगल में तुम्हें लकड़ी नहीं मिला क्या? अब बताओ तो मैं सेठ जी को क्या जवाब दूंगा? उसके घर में शादी का समारोह है
और तुमने लकड़ी नहीं लाया। ताजी, अब आप जरा भी चिंता ना करें, लकड़ी ही देना है ना, और कोई भी लकड़ी लेना चाहे तो उसे भी दे दूंगा, जितना चाहे उतना दे दूंगा। हैं? वो कैसे? देखिए पिताजी, मैं सबसे पहले सेठ जी का लकड़ी देता हूँ। ए मेरी जादुई लकड़ी, तुम मुझे 3 क्विंटल लकड़ी दो। चंचल जैसे ही उस जादुई लकड़ी से 3 क्विंटल लकड़ी मांगा, पिताजी के सामने 3 क्विंटल लकड़ी जमीन पर आ गया। ए मेरे प्यारी थाली, तुम 2 आदमी के लिए एकदम बढ़िया बढ़िया खाना लगा दो। यह देखकर पिताजी खुश हुए। यह बोलते ही उसके आगे बढ़िया बढ़िया भोजन आ गया, जिसे देखकर उसके पिताजी के खुशी का ठिकाना ना रहा। वाह बेटी, हमें तुम पर बहुत गर्व है। अगर आपका आशीर्वाद मेरे साथ नहीं होता तो ये सब संभव ही नहीं हो पाता। अब वो बड़ा आदमी बन जाता है, लेकिन फिर भी वो मानवता को नहीं भूलता है। वह हर पल दूसरों की सेवा में लगा रहता है। तो प्यारे बच्चों, किसी ने ठीक ही कहा है कि कर बुरा होवे बुरा, करके बुराई देख लो, कर भला होवे भला, करके भलाई देख लो। तो बच्चों, किसी ने ठीक ही कहा है कि हमेशा ही जरूरतमंदों और असहायों की मदद जरूर करनी चाहिए। किसी की मदद करने से आपके साथ भी अच्छा ही होता है।